Do you want to start your export business? Then the first question in your mind is, yes, I want to start, but what are the licenses and certifications are needed for this business? उसका खर्चा कितना आता है, वो कहाँ से निकालना है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से शायद आप अभी से गुजर रहे हो. Don't worry about that. In this video, we will talk about the licenses, documentations, कहाँ, who will issue that, when they will issue, what are the charges are required, and how you can start your export business. Hi dosto, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So if you have not subscribed to the YouTube channel, पहले उसको subscribe करो ताकि हम बहुत सारी बातें एक साथ करें और एक साथ grow भी करें. So coming to the point, अगर आपको export journey चालू करनी है, अगर आप startup हो, अगर आप experience हो, अगर आप unexperienced भी हो, आपने बहुत कुछ education लिया है, आपने कुछ भी नहीं सीखा है. Yes, any one of you. कोई मैटर नहीं करता उससे, यू कैन स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस. तो पहले ये मिथ जो है मन से निकाल दो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं या फिर मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे पास पैसे है या मेरे पास पैसे नहीं है. दैट इज डिफरेंट पार्ट के लिए, हाउ टू रेज फंड्स, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगी कि अपने खुद के ऊपर डाउट मत करो कि मैं सच में कर सकता हूं क्या. पहले बिलीव करो कि यस यू कैन डू, प्रोवाइडेड आपको जो भी नहीं आता है उसको आपको सीखना पड़ेगा, वो मतलब जानना पड़ेगा, और उसको लेके आगे जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन बिकम एन एक्सपोर्टर. सो हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, एक तो फर्स्ट चीज आपको अपनी कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी. सो द फर्स्ट स्टेप इन द होल प्रोसेस इज फॉर्म योर कंपनी. कंपनी फॉर्मेशन के मतलब मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, वाइडली यूज जो किए जाते हैं, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ कंपनीज. वन इज प्रोप्राइटरशिप, विच इज द सोल ओनर, इंडिविजुअल ओनर, मतलब आप खुद ओनर हो अपनी कंपनी का. द सेकंड इज पार्टनरशिप, वन और टू और मोर पार्टनर्स कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द कंपनी एंड दे कैन डू द बिजनेस. सो पार्टनरशिप डिड साइन करना पड़ता है, CACS विल हेल्प यू इन दैट. द थर्ड इज LLP, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, विच इज फॉर्म अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ इंडिया, उसके अंडर किया जाता है, और विच इज द लीगल फॉर्म ऑफ कंपनी इन इंडिया. द नेक्स्ट इज प्राइवेट लिमिटेड, विच इज ऑल्सो फॉर्म अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ इंडिया, एंड वो भी एक लीगल फॉर्म ऑफ कंपनी है. सो इन चार कंपनी फॉर्म में अभी बहुत बार क्वेश्चन आता है ना कि विच इज द बेस्ट कंपनी फॉर मी, मैं कौन से कंपनी के साथ पहले बिजनेस चालू करूं. तो अभी इसमें कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 2-3 फैक्टर्स आर देयर. वन इज लाइक ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, कितना खर्चा आएगा मुझे कंपनी ओपन करने के लिए. प्रोप्राइटरशिप की बात करूं मैं तो विच इज वेरी मतलब वो फ्री भी है. उद्यम आधार साइट पे जाओ, वहां से जाके आप उद्यम आधार डॉक्यूमेंट निकालो, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एंड यू कैन ओपन योर करंट अकाउंट. सो यस, आपका बिजनेस चल पड़ा. पार्टनरशिप कंपनी करना चाहते हो तो उसके लिए बस CA की जो फी होगी पार्टनरशिप डिड करने के लिए, दैट इज ओनली यू नीड टू पे. द थर्ड इज LLP एंड प्राइवेट की अगर बात करें, LLP मतलब 10,000 से 15,000 तक लेगा, डिपेंड द चार्जेस विल डिपेंड ऑन द सर्विस एजेंट ऑल्सो, बट दिस इज द नॉर्मल चार्जेस आई एम टेलिंग यू. प्राइवेट लिमिटेड अगर कर तो है तो सेवी सेम है, 15,000 से 20,000-25,000 तक आपको प्राइवेट लिमिटेड का ओपनिंग का खर्चा आता है. सो दिस इज द वन फैक्टर. द नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ कंप्लायंसेस. अगर देखा जाए तो प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, दैन द प्रोप्राइटर अगर को हो तो कोई भी कंप्लायंस नहीं है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंशिएट फैक्टर्स. सो यू कैन टेक ऑन मतलब यू कैन चेक ऑन दैट, एंड आपको कौन सी कंपनी ज्यादा सुटेबल होगी उसके ऊपर आप काम कर सकते हो. इफ यू आर आस्किंग मी, अगर मैं सजेस्ट करूँ कि कौन सी कंपनी ओपन करनी चाहिए आपको, तो यस, अगर आप स्टार्टअप हो, कोई रिसोर्सेस नहीं, ज्यादा पैसे भी नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं है, यू वॉन्ट टू स्टार्ट, जस्ट गो विद द प्रोप्राइटर, राइट. लेकिन अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन है, आप सोच रहे हो, देख रहे हो कि आपको बिजनेस में कहां तक जाना है, सच में आप इंटरेस्टेड हो, करना भी चाहते हो, करोगे भी, तो यस यू कैन ओपन द LLP बिजनेस, एंड दैट इज द गुड फॉर्म ऑफ द कंपनीज, एंड एनी टाइम यू कैन अपग्रेड द फॉर्म ऑफ कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल. So this is also possible in India. The next document is PAN card. According to the form of company, you need to issue PAN card for the company. जैसे कि आप proprietor होगे तो आपका खुद का PAN आपको चलेगा. But apart from the proprietor, for the partner, LLP and private limited, आपको company के नाम का PAN card निकालना पड़ेगा. The third document is current account आपको open करना है. So हमेशा कहा जाता है कि कौन से bank में हम current account open करें. तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक ही बंडा चलता है कि आपको नेशनलाइज में जाना है, नहीं तो प्राइवेट बैंक में जाना है. जो बैंक फॉरेन करेंसी को इनवर्ड आउटवर्ड कर सकती है उसी बैंक से आपको करंट अकाउंट निकालना है. ओके, सो यहां तक के तीन डॉक्यूमेंट्स अगर हमने निकाले तो यू आर रेडी फॉर डोमेस्टिक बिजनेस. सो इन तीन डॉक्यूमेंट से आप डोमेस्टिक बिजनेस आपका चला सकते हो. लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना हो, आइदर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस, देन यू नीड टू इश्यू IEC. That is import export code, which is issued by DGFT,
What is DGFT? DGFT is a Director General of Foreign Trade. It's the governing authority of India, a central government ki body hai, aur wo pura import export ka matlab basic jo bhi hai, so they are ruling that. So you can go on the DGFT website, wahan pe jaake apply IEC ka tab hai. You can go there, apply to IEC, registration ke liye page pe jaoge, username password aapko create karna padega. You can just go there, upload the documents. 500 rupees is a charge for the IEC, government ka charge hai, wo aapko wahan pe submit karna hai and you can get your IEC within one day also. So this is the simple procedure of IEC. After issuing IEC, you need to take your RCMC. That is called Registration Cum Membership Certificate, which is issued by the Export Promotion Councils of India. अभी now Export Promotion Councils होते क्या है? तो ये जो councils है, हर sector specific India में export को boost करने के लिए Export Promotion Councils खड़े किए गए हैं. So they are created by Government of India. So for example, आप में से कोई, अगर आप agriculture में काम करना चाहते हो, processed food में जाना चाहते हो, dairy, honey, poultry, horticulture, floriculture, chicken, meat, either or, cereal, pulses, आप किसी में भी काम करना चाहते हो, you need to become a member of APEDA. So APEDA is one of the authority governing the export of these all products from India. So ये export promotion के लिए काम करता है, governing के लिए काम करता है, बहुत सारे rules, regulations के लिए भी काम करता है. So you need to become a member of APEDA. वो भी बहुत process easy है, आपको बस उनके website पे जाना है, become a member का tab होता है, वहाँ पे जाके IEC plus other KYC documents you will update, upload there. Fee जो उनकी होती है, 5 सालों के लिए APEDA membership देता है, and the charges are 5900 अभी के लिए है. So this is very cool, मतलब आप open कर सकते हो, they will help you also in the export promotion. अगर आप इंजीनियरिंग में काम करते हो तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ऊपर ईईपीसी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. इफ यू आर वर्किंग इन द हैंडीक्राफ्ट देन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सो ईपीसीएच इज द वेबसाइट फॉर दैट. ओके, सो दीज आर द लाइक दैट कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उस सेक्टर के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी एंड जो भी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसको कहा जाता है आरसीएमसी. After issuing RCMC, आपको GST registration भी करना पड़ेगा. GST, you also know the tax in India, और वो जो tax है, export के लिए tax applicable नहीं है, but yes, export के लिए number mandatory है. Import के लिए number and tax both are applicable. So, अगर आप exporter हो, तो भी आपको GST number निकालना पड़ेगा, and yes, export में tax आप भरोगे नहीं, लेकिन जब invoice बनोगे, तो उसकी procedure अलग चलती है, either rebate और either LOT के ऊपर. बट यस, अभी के लिए ध्यान में रखो, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको टैक्स नंबर निकालना पड़ेगा. नंबर निकालते हो तो ये भी जरूरी है ध्यान में रखो, आपको मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे और आइदर क्वार्टरली. आप नील भी टर्नओवर करो या फिर आप टर्नओवर भी करोगे तो भी इट इज मैंडेटरी टू फुलफिल दैट कंप्लायंस. आफ्टर जीएसटी यू नीड टू हैव यूर सेंट्रल फसाई लाइसेंस ऑल्सो. अगर आप एग्री फूड में काम करते हो तो लगेगा, अदर सेक्टर में आपके लिए ये लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है. सो जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स देके, कंपनी फॉर्मेशन, पैन कार्ड, करंट अकाउंट, आईसी, आरसीएमसी एंड जीएसटी, दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी सेक्टर एंड एवरी प्रोडक्ट. नाउ द कंडीशन चेंज, अगर आप एग्री फूड में जाते हो, स्पाइसेस में जाते हो, तो आपको फसाई लाइसेंस निकालना पड़ेगा एंड विच इज सेंट्रल फसाई निकालना पड़ेगा. Then only you can export these kind of products from India to other countries. और अगर आप import भी करना चाहते हो तो भी आपको central FSI mandatory है. उसके बाद ये सारे documents लेके आपको port registration करना पड़ता है. So port registration के लिए ICEGATE, this is the website of the for the port registration. So you need to register yourself as a exporter and importer to airport also and to the seaport also. So once you've done the registrations, you are now valid importer and exporter from India to send any products and to bring any products in the country. So these are the basic documents required to start your export-import journey. I hope you understand all the things. These are very easy process. आपको online भी मिलेंगे. Majority documents online निकाले जाते हैं. अगर आप technical friendly हो, computer savvy हो, तो you can issue by your own also. लेकिन अगर आप वो उतना technically जानते नहीं हो, उतना friendly नहीं हो technology के साथ, market में बहुत सारे service agent भी बैठे हैं. They will also give you that documentation. और अगर आपको हमसे निकलवाना है तो ग्लोबल फॉर्च्यून इज ऑल्सो डूइंग दैट काइंड ऑफ सर्विसेज. सो यू कैन कनेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल ऑल्सो हेल्प यू इन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. सो
डॉक्यूमेंटेशन तो निकल गए है, आई नो यू आर नाउ वैलिड इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, स्टार्ट योर जर्नी, लर्न द बेसिक्स अबाउट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. फॉर दैट यू कैन गेट माय बेसिक गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विच इज माय बुक रिटन ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अवेलेबल ऑन द kdsushma.com. एंड यू कैन ज्वाइन माई फ्री वेबिनार www.kdsushma.com/booknow, where I will give you all insights and the practical knowledge about the international business that will help you to start your business journey. So you can join me for that. And yes, you can definitely comment in the comment box how you, मतलब आपको ये video कैसा लगा और आपको और क्या जानना है ताकि आपकी journey जल्दी से चालू हो जाए. So wish you all the best for that. Be an exporter. Start your journey. Take action. Jai Hind.